बीते शनिवार यानी 29 मई को पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी। उनके मौत से इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा, जिसके बाद उनकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे गोल्डी बराड़। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। इसी बीच मुंबई पुलिस ने भी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया है और साथ ही काफी चौकन्ने भी हो गए। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई इससे पहले सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुका है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने ये बड़ा कदम उठाया। और इस बारे में जानकारी देते हुए मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया है, साथ ही पुलिस ये भी सुनिश्चित कर रही है कि उनके अपार्टमेंट के आसपास वो मौजूद रहेगी, राजस्थान से गिरोह द्वारा कोई नापाक हरकत न की जाए। खबरों की माने तो लॉरेंस काला हिरन केस को लेकर सलमान खान की हत्या का साजिश कर चुका है। आपको बता दें, बिश्नोई समुदाय काला हिरन को बेहद पवित्र मानते हैं, जिसके मामले में सलमान खान का नाम आने से उनसे काफी नाराज चल रहा था बिश्नोई। इसी के चलते उसकी ओर से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। बता दें, साल 2008 में लॉरेंस ने अदालत के बाहर खड़े होकर सलमान को धमकी देते हुए कहा था कि वो जोधपुर में सलमान खान को मार देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन जब सलमान खान को मारेंगे तो पता चल जाएगा, फिलहाल मुझे फालतू में घसीटा जा रहा है। कुल मिलाकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट हो चुकी है, जिसके चलते सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।